अपने इरादों को अपना हथियार बना, लोगों के तानों को अपना जोश बना, किसी की तारीफ के लिए नहीं अपनी खुशी के लिए खुद की एक पहचान बना। तो नमस्कार साथियों, राम राम, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल पर। तो कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है सभी की तैयारी? भाई आज के जो सेशन होगा वो हमारे जो RISF जिन्होंने CET एग्जाम नहीं दिया है उनके लिए है। तो CET RISF की जो भर्ती है जो आपकी बारी आई है, देखो पहले थी भी नहीं, तो RSC जो है उसी में RISF की भर्ती आई है, राजस्थान इंडस्ट्रियल सर्विस फोर्स। इसमें क्या है कि एक इंडस्ट्रियल जो इलाके होते हैं वहाँ पे आपको 7-8 घंटे की इसमें ड्यूटी देनी होती है। इसमें क्या रहेगा, जैसे राजस्थान पुलिस में पहले फिजिकल था, इसमें फिजिकल वाला कुछ नहीं है, इसमें पहले रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। तो इसका ये है कि भाई कह रहे हैं कि मैम कब तक आएगी, तो भाई सितंबर लास्ट में अब आपको ये वैकेंसी है जो इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिन्होंने भी CET का एग्ज़ाम नहीं दिया था वो ये चाहते हैं कि भाई मैंने उस टाइम पे बहुत बड़ी गलती कर दी, भाई CET का एग्ज़ाम नहीं दिया, मेरे को देना चाहिए था। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, RISF, क्योंकि अगर वो वर्दी चाहते हैं कि भाई किसी को देखते हैं यार काश मैं भी CET का एग्ज़ाम देता, मेरे पास भी, मैं भी आज राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम दे रहा होता, तो ये वाला कर लो। RISF भी क्या है कि सेम राजस्थान पुलिस वाला ही सिस्टम रहेगा इसमें। उसमें तो क्या है कि वैसे थानों वानों की नौकरी होती है, इसमें तो आपको कुछ नहीं, 7-8 घंटे की नौकरी दो, फ्री रहो, ठीक है। कब तक आएगी, तो कई तो कह रहे हैं आचार संहिता लग जाएगी, RISF की भर्ती नहीं आएगी। अरे आएगी, सितंबर लास्ट में आपको RISF की भर्ती मिल जाएगी। इसमें क्या रहेगा, CET तो पहले से ही नहीं है इसमें, पैटर्न। अब कोई सोच रहा होगा कि जब आएगी ना उसी टाइम पे मैं तो पढ़ना स्टार्ट करूँ, क्या पता आएगी कि नहीं आएगी। आएगी एग्ज़ाम, पैटर्न भी वही रहेगा, जैसे भाई उसमें तो देखो CBT है तो इसमें तो रिटन का एग्ज़ाम रहेगा, लेकिन सिलेबस जो है वो लगभग आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। तो तैयारी तो आप सिलेबस ही पढ़ना होता है आपको, पहले तो माथापच्ची तो करनी नहीं है, मेरे को पहले फिजिकल करना है, जैसे पुलिस वाले हैं कि भाई हमें तो पहले फिजिकल करना, उसके बाद में CBT टेस्ट होगा। तो इसमें तो क्या है, पहले रिटन है, तो पहले आपको क्या है कि सिलेबस को देखना है, अच्छे से उसको कवर करना है। वैकेंसी पक्की ही आएंगी, जो ये सोच रहा हो दिमाग में अपने जो कचरा भर रखा हो कि भाई आएगी कि नहीं आएगी, तो ये आएगी, इसकी अच्छे से तैयारी करो, फालतू की टेंशन लो मत। इसमें क्या है कि जो राजस्थान पुलिस में जो भर रहे हैं फॉर्म वो भी RISF में आएंगे, लेकिन जिन्होंने CET नहीं कर रखा वो सिर्फ RISF में रहेंगे। तो जो राजस्थान पुलिस में कि भाई ये सोचे बैठे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, वो RISF में भी अपनी किस्मत को आजमाना, क्या पता किस्मतों की बात होती है उसमें नहीं हो, यहाँ हो जाए, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं कि भाई मेरे क्या पता मैंने CET एग्ज़ाम नहीं दिया तो मैं तो वर्दी से वंचित ही रह गया, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मेहनत करते रहिए, अगर आप में ये है जुनून है वर्दी को पाने का तो आपको ये मिलेगी ही, ठीक है। और इससे बेस्ट नौकरी जो है वो आपको मिल भी नहीं सकती, ठीक है। पुलिस जैसी है, इसमें कोई फालतू का झंझट नहीं है, वही पेमेंट रहेगा, 7-8 घंटे की नौकरी देनी है आपको, वही सिलेबस है, वही पैटर्न रहेगा, बस फिजिकल वाला आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है इसमें पहले, ठीक है। उसमें फिजिकल में पहले कईयों उसमें तो कई बावले हो रहे हैं कि भाई पहले फिजिकल है, फिजिकल की तैयारी करो फिर CBT है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और अगर आपने ये क्या है कि अगर हम किसी चीज़ को चाहते हैं ना पूरी शिद्दत से, तो पूरी कायनात हमें क्या है कि उसे मिलाने की साजिश करती है, ठीक है। तो ये क्या है कि आप ये सोच के रखो कि मेरे को वर्दी पानी है तो वो आपको कैसे भी मिल रही हो, मिल तो रही है ना, तो ये दिमाग में मत बिठाना कि नहीं आएगी, आएगी मिल जाएगी आपको। और वैसे भी आचार संहिता अक्टूबर लास्ट में लगनी है, इसकी घोषणा तो पहले हो ही चुकी थी कि RISF की भर्तियाँ होनी है, ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक। और जिसके भी कोई डाउट हो कि भाई मैम क्या करें हम, क्या पता आएगी कि नहीं आएगी, वो भाई देखो मेरे से कमेंट में मेरे को बता देना, जो भी उसके डाउट हो मैं उसका जहाँ तक होगा उसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो यही था हमारा कि भाई कईयों के दिमाग में भर रहा था कि भाई क्या करें, तैयारी करें कि नहीं करें, तो ये टाइम निकाल के हम आपके लिए जो जानकारी थी आपके साथ साझा करनी थी कि भाई अगर मेरे यही बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए धन्यवाद।